Hi everyone, this is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about the accounting MCQs. पहले तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी किया चैनल्स और मतलब पसंद भी कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं, अपनी राय भी देते हैं कि उनको वीडियो कैसी लगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसैक्शन जनरल जर्नल और जनरल लेजर MCQs। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन्वॉल्व्स द अकाउंट विद द कैश फ्लो। इसकी ए ऑप्शन है ड्राइंग। नंबर टू है विच टाइप्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी इन्वॉल्व व्हेन रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आर मेट। तो सी ऑप्शन है एसिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इफेक्ट्स एसिस्ट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स। डी ऑप्शन है पैड चेक टू सप्लायर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक और स्टेटमेंट सपोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। सी ऑप्शन है जनरल लेजर। नेक्स्ट है द अकाउंट मोस्ट सुइटेबल विथ कैश फॉर द ट्रांसैक्शन सॉल्व ऑन कैश ऑन ऑब्सोलीट कंप्यूटर इज डैश इक्विपमेंट। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर जस्ट आफ्टर मेंटेनिंग जनरल लेजर इज ए ऑप्शन है प्रे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो ये तमाम जो MCQs हम कर रहे हैं ये ट्रांसैक्शन जनरल जर्नल जनरल लेजर के। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर रहे हैं आ लाइबिलिटी अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन, कब होता है। सी ऑप्शन है रिडीम्ड लोन टू बैंक। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर नॉट अपियर्ड इन द ट्रांसैक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांसैक्टर। ऑप्शन ए सी कॉन्ट्रा एसिस्ट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन काज नेट डिक्रीज इन अ एसिस्ट अकाउंट। तो सी है विड्रा कैश फ्रॉम बैंक फॉर द प्राइवेट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज पॉसिबल रिगार्डिंग एनी ट्रांसैक्शन अफेक्टिंग टू अकाउंट्स। ऑप्शन ए डी इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड इनकम अकाउंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन मे कॉज नेट डिक्रीज ऑफ एन एसेट्स। तो इसका है डी विदड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक और द पर्सनल यूज। नेक्स्ट है द बुक इन विच फुटिंग एंड बैलेंसिंग आर मेड ऑफ। ए ऑप्शन है कैश बुक, पैटी कैश बुक एंड लेजर। नेक्स्ट है द बुक कैप्ट फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन आर। ऑप्शन है सी ऑल बुक्स ऑफ ओरिजिनल। नेक्स्ट है द बुक्स कैप्ट फॉर द पोस्टिंग एंट्रीज इज आर। ऑप्शन है डी जनरल लेजर और सबसिडरी लेजर्स। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो अच्छी तरीके से आपको स्क्रीन पे जो है नज़र आ रहे होंगे डेफिनेटली। तो हम जो हैं वो नेक्स्ट करेंगे। अब जो है नेक्स्ट MCQs करेंगे वो अबाउट कैश बुक एंड पेटी कैश बुक के बारे में हम। तो ये जो था वो ट्रांसैक्शंस के बारे में थे, जनरल लेजर्स के बारे में थे, बट यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। द मोस्ट सुइटेबल बुक फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश इज। ऑप्शन है सी कैश बुक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। ऑप्शन ए बी कैश इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नेसेसरली बी रिकॉर्डेड इन बोथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड्स ऑफ द कैश बुक। ऑप्शन ए बी डिपॉजिटेड अ कस्टमर चेक ऑफ द रेट 16,000 रिसीव्ड फ्यू डेज बिफोर। नेक्स्ट है द मोस्ट सुइटेबल बुक फॉर द रिकॉर्डिंग सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश इज। ऑप्शन ए सी कैश बुक। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इन द चेक रजिस्टर्ड आर आल्सो एंटर्ड इन अ कैश बुक इन। ऑप्शन ए बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन ऑन इट्स रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। ऑप्शन ए डी यानी रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमरी एंड डिड इन डिपॉजिट ऑन द सैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेन टू सेव टाइम टू लेबर ऑफ द कैशियर। तो इसका ऑप्शन है ए पेटी कैश बुक। लेकिन श्योरली कि आपको जो है वो तमाम MCQs जो है वो अंडरस्टूड हो रहेंगे बिकॉज मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर्स फॉलो नहीं किए हैं या तो वो फॉलो कर लें, प्रीवियस वीडियोस में ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफाइन की हैं ताकि आपको जो है MCQ सॉल्व करने से पहले तमाम जो है इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो आपके पास हो। तो देन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।
ओके जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, क्या नहीं होता? बी परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय द ऑनर फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक. ऑप्शन ए डी विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ऑफ ऑनर. नेक्स्ट है, कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांसेक्शन. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देयर इज नो नीड टू सेट अप द फॉलोइंग अकाउंट इज लेजर. ऑप्शन ए डी कैश एंड बैंक. नेक्स्ट है, अ कैश बुक इज अ कॉल्ड थ्री कॉलम कैश बुक ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री कॉलम्स. ऑप्शन ए सी सॉरी डी डिस्काउंट कैश बैंक. नेक्स्ट है, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन. ऑप्शन ए सी बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक. नेक्स्ट है, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज विच इन्वॉल्व. ऑप्शन ए डी कैश बुक एंट्रीज फॉर अ ट्रांसेक्शन ऑफ बोथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड्स. नेक्स्ट है, द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेक रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांसेक्शन एंटर्ड इन कैश बुक. अ चेक ऑफ कस्टमर रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो मूव करते हैं, देन यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस. तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसलिए गैप दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें, अंडरस्टूड कर सकें, नोट डाउन कर सकें चीज़ों को. तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं. यहाँ पे ऑप्शन है सी, पोस्ट इन बोथ जर्नल एंड सब्सिडियरी. तो यहाँ पे पहले जो है नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले कैश बुक एंड पेटी कैश बुक जो है, पहले मैं आपको इसका डिफरेंस भी यहाँ पे बता दूँ. कैश बुक वो बुक होती है जिसमें कैश जो है हम उसके बारे में राइट डाउन करते हैं ना, कैश के बारे में जो हमें मतलब डेली बेसिस पे बिजनेस कर रहे होते हैं. तो बिजनेस में हमें जो डीलिंग होती है, अगर हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो हम हैंड ओवर लेते हैं, मतलब कैश लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू समवेयर एंड परचेजिंग समथिंग लाइक अ फर्नीचर होता है ना, तो हम बाय हैंड जो है उसे वो कैश देते हैं. तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो हमें एक रिसिप्ट बना के देता है. तो रिसिप्ट जो होती है बेसिकली वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि हमने ये चीज़ जो है वो इतने अमाउंट में परचेज़ की है. ठीक है, अगर हम कोई चीज़ सेल भी कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो हम या तो सिग्नेचर ले लेते हैं या फिर मतलब डेट वगैरह जो है उसमें लिख देते हैं. बट यहाँ पे पैटी कैश जो होता है, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज हैं आपके, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइक आपका टी का पानी का खर्चा, मतलब कोई इक्विपमेंट्स आ गया या कोई फर्नीचर आ गया या आपने कोई मतलब फ्रेंड हो गया या कोई इनविटेशन हो गया आपके, कोई आ गया मतलब समवन स्पेशल जो आ गया, तो उसके लिए आप जो चीज़ें मंगवाते हैं तो वहाँ पे वो उसका इंतराज करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो है पेटी कैश जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो राइट डाउन होती है. डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस जो हैं वो राइट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं ताकि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाए. फॉर एग्जांपल एक स्कूल कॉलेज होता है तो चाय का मतलब एक्सपेंस होता है. ठीक है, या कोई चीज़ मंगा ली, टेप हो गया, स्टेपलर्स हो गई, पेंस हो गई, मतलब कोई शीट हो गई या फिर कुछ स्टेशनरी का सामान हो गया, तो इस तरह के जो स्टफ्स होते हैं बाय थ्रो जो डेली बेसिस पे कवर किए जाते हैं तो उनको जो है पेटी कैश कहते हैं. वो पेटी कैश जो होता है वो एक तरीके का रजिस्टर होता है, आप एक तरीके की मतलब जो है फॉर्म ऑफ रजिस्टर ही कह लें या डायरी कह लें जिसमें आप जो है डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं डेली चीज़ों को. तो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पर रिपीट करने का पर्पज़ ये था कि पेटी कैश और कैश जो है वो आपको डिफाइन हो जाए अच्छी तरीके से ताकि आपको इनका जो है वो डिफरेंस पता चल जाए. लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे वो तमाम एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट हो रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें. अकाउंटिंग जो है वो इट इज़ वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट होता है फॉर दोज स्टूडेंट्स के लिए. बाज़ लोग अकाउंटिंग तो ले लेते हैं बट दे डोंट नो हाउ दे डील इट, वो नहीं समझ पाते कि इसको किस तरह डील करना है, किस तरह अंडरस्टैंड करना है. और मतलब जो एक हमारा जो होता है एक हमारे सराउंड में और इन्वायरमेंट में जो चीज़ होती है हम उसके पीछे जो है भाग रहे होते हैं. लेकिन अपना पहले माइंड सेट करें
देन यू कैन चूज एनीथिंग। तो हमें लास्ट क्वेश्चन जो है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, हमारा स्क्रीन पे आ गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था द बुक कैप्ट फॉर पोस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकिंग रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एंट्रेड इन द कैश बुक आर चेक ऑफ द कस्टमर रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सैम डे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी, पोस्ट इन बोथ जनरल एंड सब्सिडियरी लेजर्स। नेक्स्ट है डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड इन रिकॉर्डेड, किस में होते हैं, सी, पेमेंट साइड ऑफ द पेटी कैश बुक में। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मे असिस्ट इन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। आंसर है ए, काउंटर फोलियो ऑफ अ चेक बुक। तो आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड दीज ऑल अबाउट द कैश, कैश पेटी कैश एंड जर्नल लेजर्स, इन सब के बारे में, ये एम सी क्यूज थे बेसिक टर्म्स के बारे में। मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें अगर प्रीवियस वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। ऑलरेडी जो है प्ले लिस्ट मौजूद है, वहाँ पर जो है आपको तमाम अकाउंटिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मुझे जो है वो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी क्यूरी हो अबाउट अकाउंटिंग के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन आई विल गिव द आंसर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।